सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में देखा था, और देखा था कि हार्मोनिक फंक्शंस किसको कहते हैं, और कॉची रैमन कंडीशन के ऑर्थोगोनल कर्व्स और कॉची रैमन कंडीशन के पोलर फॉर्म को देखा था। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जिसमें से पहला प्रॉब्लम है कि सो दैट द फंक्शन यू इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है और फर्स्ट हमको प्रूफ करना है कि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। सो लेट फर्स्ट इज गिवेन यू इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है। और हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू जीरो। सो ये हमको फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डो यू बाय डो एक्स फाइंड करेंगे। इसका वैल्यू आएगा हाफ, इसका डिफरेंशिएशन हाफ, वन बाय लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, दैट इज वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज टू एक्स। सो ये सॉल्व हो जाएगा, टू टू कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा डो टू यू डो एक्स स्क्वायर। सो ये यू इंटू वी के मेथड से डिफ्रेंशिएट होगा। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स, मतलब ये एक्स कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। सो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग डो यू बाई डो वाई भी फाइंड करेंगे। सो हमारा डो यू बाय डो वाई हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करने पे, एंड देन अगेन डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन वन माइनस वाई इंटू टू एक्स, सॉरी टू वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू चेक दैट द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू जीरो। सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे डो टू यू बाय टू एक्स स्क्वायर, एंड देन लिखेंगे हम लोग डो टू यू बाय टू वाई स्क्वायर, सो डो टू यू बाय टू एक्स स्क्वायर का हमारा वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये वाई ये कैंसिल,
स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स देयरफॉर यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन. ओके, अब इसका हमको क्या फाइंड करना है, इसका कंजुगेट वैल्यू फाइंड करना है. सो लेट वी बी द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड डी वी, एंड दिस डी वी इज इक्वल टू होगा हमारा डो वी बाई डो एक्स डी एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई डी वाई. नाउ सी आर कंडीशन हम यूज करेंगे, दैट इज कॉची रामायण कंडीशन. वॉट इज कॉची रामायण कंडीशन? डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाई डो वाई एंड डो यू बाई डो वाई is equal to minus of dou v by dou x. So dou v by dou x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे minus of dou u by dou y. So यहाँ पे हम लोग लिखेंगे minus of dou u by dou y dx plus dou v by dou y की जगह पे dou v by dou y की जगह पे dou u by dou x dy. अब इस दोनों का वैल्यू हम लोग ऊपर में फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. तो वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो इसका वैल्यू है हमारा, हम लोगों ने फाइंड किया है माइन वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इसका वैल्यू है हमारा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इधर हमारा वैल्यू है डी वी. सो ये डिफरेंशिएशन है हमारा किसका, अगर इसको हम लोग चेक करें तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स y बाई एक्स. कैसे, अगर हम लोग साइड में इसको सॉल्व करें, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स y बाई एक्स तो ये होता है वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसके हम लोग यहाँ पे पुट करके लिख सकते हैं u by v के मेथड से है ये, ठीक है. तो और हम लोग यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वन अगर हम लोग जानते हैं सिंपल tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हमारा होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर, और x के जगह पे यहाँ पे क्या है y बाई एक्स, तो ये हो गया. और इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी के मेथड से, सो ये हो जाएगा y x कांस्टेंट dy वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर यू इंटू वी के मेथड से, u डिवाइडेड बाई वी के मेथड से. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. सो अगर इसको हम लोग चेंज करें तो रिवर्स करें, मतलब चेंज करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर इंटू दिस इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. दिस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो हमारा आंसर जो है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आता है.
तो इसकी जगह पे इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको v का वैल्यू फाइंड करना है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग वी गेट v इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएंगे टेन इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी, वेयर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम एक हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड नंबर प्रॉब्लम एक और बनाते हैं। द प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ b so that f of x comma y is equal to x square plus a xy plus b y square is harmonic। हमको b का वैल्यू वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके चलते ये फंक्शन जो है वो हार्मोनिक हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हार्मोनिसिटी कंडीशन फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को दो बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा। सो गिवन वी हैव गिवन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट इज इक्वल टू टू एक्स ए इंटू वाई। और जब इसको f के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस टू बी वाई। इसको फिर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा एक बार और, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डो टू एफ बाई टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, एंड इट इज डो टू एफ बाई टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू b। so for harmonic function के लिए हमारा क्या कंडीशन है, डो टू एफ बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू एफ बाई डो वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। दोनों का वैल्यू पुट करें, टू प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो, सो टू बी इज इक्वल टू माइनस टू, सो b इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया कि b के माइनस वन वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जो है हमारा जो माइनस वन जो है इसके चलते ये फंक्शन जो है वो हार्मोनिक होगा। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड प्रॉब्लम, जहाँ पे है प्रूव दैट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर हार्मोनिक फंक्शन बट नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर चेक करना है। सो एज इट इज गिवन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर हार्मोनिसिटी, दैट इज हमारा कंडीशन होता है डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाई डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम लोग इसका u का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस और u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ट्वाइस ये हमको फाइंड करना है। सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि u को जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x, और जब x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2। उसी तरह से u को जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस टू वाई, और y स्क्वायर दैट मीन डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा माइनस टू। सो एज वी सी दैट 2 और माइनस टू का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लैपलास इक्वेशन को। इसके बाद है कि ये हार्मोनिक कंजुगेट नहीं है। हार्मोनिक कंजुगेट प्रूफ करने के लिए हार्मोनिक कंजुगेट एक फंक्शन कब होता है, जब ये कॉची रामायण कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स डो यू बाई डो एक्स शुड बी इक्वल टू डो वी बाई डो वाई एंड डो यू बाई डो वाई
शुड बी इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो एक्स. इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये दैट मीन्स दे आर नॉट हार्मोनिक कंजुगेट. तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि वी और यू हमारा दो अलग अलग फंक्शन है. तो सबसे पहले यू यहाँ पे दिया हुआ है और वी यहाँ पे दिया हुआ है. सो हम लोग सबसे पहले यू के फॉर्म में वी को फाइंड करेंगे. दैट इज वी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो डो वी बाई डो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई. दैट मीन्स यू बाई वी के मैथड से माइनस टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. एंड देन अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में. तो ये यू बाई वी के मैथड से हम लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन का यू बाई वी का अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोग करने जाते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू वी डी यू माइनस यू डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर होता है. सेम मैथड से हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया है वो है हमारा डो टू वी बाई डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब. सिमिलरली डो वी बाई डो वाई हम लोगों ने फाइंड किया और सेम मैथड से हमारा वैल्यू आया माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. सो यहाँ पे हम लोग दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यह वी को भी हम लोग देख रहे हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शन है हमारा ये वी. अब हम लोग ये कंडीशन को देख रहे हैं कि कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. तो अगर हम लोग चेक करें सबसे पहले डो यू बाई डो एक्स. सो डो यू बाई डो एक्स का वैल्यू हमारा आया है टू एक्स एंड दैट शुड बी इक्वल टू डो वी बाई डो वाई. तो डो वी बाई डो वाई का वैल्यू हमारा है ये. अभी हम लोग देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है. उसी तरह से डो यू बाई डो वाई माइनस टू वाई है और डो वी बाई डो एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा है वैल्यू माइनस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई. दैट मीन्स दोनों कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कॉची रमैन कंडीशन को. देयरफॉर यू एंड वी आर नॉट हार्मोनिक कंजुगेट. ये हार्मोनिक कंजुगेट नहीं है. ठीक है, ये हार्मोनिक कंजुगेट नहीं है. नाउ देयर आर सम मेथड्स टू फाइंड द कंजुगेट फंक्शन. सो वी आर स्टडिंग द मेथड टू फाइंड द कंजुगेट फंक्शन. जिसमें से हम लोग केस वन डिस्कस कर रहे हैं. इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वाई आई वी एंड यू इज गिवन. फर्स्ट कंडीशन में किस में हमारा यू का वैल्यू दिया हुआ है और हमको वी फाइंड करना है. तो इसमें हम लोग वी फाइंड करने की क्या करेंगे. डी वी हम लोग जानते हैं डी वी इज इक्वल टू होता है कोई फंक्शन अगर वी जो है फंक्शन है एक्स और वाई का. सो दैट डी वी शुड बी और कैन बी रिटर्न एज डो वी बाई डो एक्स डी एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई डी वाई. ठीक है, अब हम लोग कॉची रमैन कंडीशन से इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे. चूंकि वी हैव गिवन यू. सो अगर u दिया हुआ है दैट मीन्स डो यू बाई डो एक्स हम फाइंड कर सकते हैं और डो यू बाई डो वाई फाइंड कर सकते हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डो वी बाई डो एक्स की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं माइनस डो यू बाई डो वाई और डो वी बाई डो एक्स की जगह पे यूट कर रहे हैं डो यू बाई डो एक्स. सो अगर जब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर वन में सो डो डी वी का वैल्यू हो जाएगा माइनस डो यू बाई डो वाई डी एक्स डो यू बाई डी एक्स डी वाई. सो वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टाइम्स डो यू बाई डो वाई डी एक्स. अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें सो इंटीग्रेशन ऑफ डो यू बाई डी एक्स एंड डो यू बाई डी वाई. अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव लेट चूज और एज्यूम्ड एम इज इक्वल टू माइनस डो यू बाई डो वाई एंड एन इज इक्वल टू डो यू बाई डो एक्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एम डी वाई. अगर हम इस दोनों का कंडीशन को फाइंड करने जाए डो एन बाई डो वाई फाइंड करने जाए तो ये हो जाएगा डो बाई डो वाई ऑफ एम का वैल्यू है हमारा ये. सो माइनस डो यू बाई डो वाई दैट विल बी इक्वल टू माइनस डो टू यू बाई डो वाई स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम लोग डो एन बाई डो एक्स फाइंड करें सो दैट विल बी इक्वल टू डो बाई डो एक्स एंड द वैल्यू ऑफ एन इज डो यू बाई डो एक्स. सो वी हैव डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर और इसके बाद दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें सो दैट विल बी इक्वल टू दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. ओके, सो यू इज अ कंजुगेट फंक्शन एंड वी हैव द कंडीशन डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स. ये हमारा यहाँ पे फाइंड किया हुआ है. सो दैट मीन्स इस तरह से हम लोग कंडीशन से वी को फाइंड कर सकते हैं. तो ये इक्वेशन हमको याद रखना होगा. ये जो हमारा इक्वेशन है
ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग वी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट केस नंबर टू, व्हेन वी इज गिवन यू इज नॉट गिवन, सेम प्रोसेस है लेकिन हम लोग इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारा यू दिया हुआ है सो हम लोग मान लेते हैं कि डी यू इज इक्वल टू डो यू बाय डो एक्स प्लस डी एक्स प्लस आई टाइम्स डो यू बाय डो वाई डी वाई। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डो यू बाय डो एक्स एंड डो यू बाय डो वाई, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये इसको ओमिट कर लेना, ये आई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डो यू डी यू इज इक्वल टू डो वी बाई डो वाई, मतलब हम लोग क्योंकि अगर हमारा वी दिया हुआ है एंड वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई देन वी कैन ईजिली फाइंड डो वी बाई डो एक्स एंड डो वी बाई डो वाई। नाउ द कंडीशन इज फॉर यू, और हम लोग जाते हैं कौची रामायण कंडीशन से कि डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू होता है डो वी बाई डो वाई एंड डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू होता है माइनस डो वी बाई डो एक्स। सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन ये हमको फाइंड करना है तो इसके जगह पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, और ये अगर फाइंड करना है तो इसके जगह इसको पुट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया है एंड देन इसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है। तो इंटीग्रेट करने से हमारा जो रिजल्ट है ये हमारा रिजल्ट है, और इसको हमको याद रखना है कि दैट विल बी टू फाइंड द दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ यू व्हेन यू इज नॉट गिवन एंड वी इज गिवन। सो एज द वी इज ऑलरेडी नोन सो वी कैन फाइंड डो वी बाई डो वाई एंड डो वी बाई डो एक्स ऑन राइट हैंड साइड एंड दिस कैन ईजिली बी फाइंड यू, और इस तरह से यू और वी फाइंड करके हम लोग फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं, जो फंक्शन हमारा एनालिटिकल फंक्शन होता है दैट इज एफ ऑफ सेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। सो इफ यू इज गिवन देन वी कैन बी फाउंड विद द इक्वेशन केस नंबर वन से, और अगर हमारा वी दिया हुआ है तो यू को फाइंड कर सकते हैं केस नंबर टू से, ठीक है। अब इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम नंबर वन है एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी वाई, वी एनालिटिकल फंक्शन, यू इज गिवन, वी हैव टू फाइंड वी एंड देन वी हैव टू फाइंड द होल फंक्शन दैट इज एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। सो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं यू इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू एक्स वाई, सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट डो यू बाई डो एक्स एंड डो यू बाई टू वाई, दोनों हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमको फॉर्मूला याद भी नहीं हो तो इस तरह से ये याद रहना चाहिए और कौची रामायण कंडीशन याद रहना चाहिए। सो डी वी इज इक्वल टू डो वी बाई डो एक्स, जो हम लोग केस वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डो वी वाई, और कौची रामायण कंडीशन से इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस डो यू बाई डो वाई, और डो वी बाई डो वाई की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं डो यू बाई डो एक्स। ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, इस दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे एंड देन पुट करने के बाद फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने से हमारा वैल्यू चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और इसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सो थ्री वाई टू इंटू वाई स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसिल, ये हम लोग आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देख लें सो वी इज इक्वल टू 2x dx प्लस 3 2y dy, यही है हमारा कंडीशन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू वाई डी वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन y एंड देन 2 इंटू वाई का डिफरेंट इंटीग्रेशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 कैंसिल। सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस टू, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी होगा। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया वी का। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको कंस्ट्रक्ट करना है एफ जेड। सो एफ जेड कंस्ट्रक्ट करने के लिए यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स हम दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे जो आई वाले टर्म्स और विदाउट आई वाले टर्म्स को सम करके लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्व करके लिख देंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू जेड होता है तो उसकी जगह पे हम लोग जेड सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये काफ़ी इजी मेथड है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है
वैल्यू पुट किया है यहाँ पे सबसे पहले, फिर आई से मल्टीप्लाई किया है, आई से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाले टर्म को आई एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आई से आई वाई स्क्वायर एंड देन टू एक्स वाई को एक साथ लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम आई कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर ये वाला टर्म। उस तरह से ये यहाँ पे हम लोग थ्री कॉमन ले सकते हैं, तो ये एक्स प्लस आई वाई हो गया, तो ये एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर हो गया हमको एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि वी नो दैट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड देन वी हैव टू एक्सप्रेस द फाइनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इक्वेशन में दिया हुआ है वी हैव टू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जेड, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं करना है, सो हमको एक्स प्लस वाई वाई को वहाँ से हटाना होगा, तो एक्स वाई वाई के लिए हम लोगों ने जेड पुट कर दिया, ये हमारा एक्सप्रेशन। इसी तरह से इक्वेशन नंबर टू में हमारा प्रॉब्लम नंबर टू है, प्रूव दैट यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज ए हार्मोनिक एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वी सच दैट एफ जेड इज यू प्लस आई इज एनालिटिक एंड ऑल्सो एक्सप्रेस एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो पहला तो हमारा यू दिया हुआ है, हमको ये हार्मोनिक प्रूफ करना है, तो इसमें हमको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये टू और माइनस टू आया, दोनों को ऐड किया हम लोगों ने जीरो आया। अब चूंकि हमको वी फाइंड करना है तो हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया वी को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन फिट कॉची रामायण कंडीशन से इसके जगह पे ये और ये वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, इस दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब पुट कर देंगे। पुट करने के बाद प्रीवियस मेथड की तरह यहाँ से हम लोग इसको इंट्रीग्रेट करेंगे, इंट्रीग्रेट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये आ रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू दैट इज टू टू कैंसिल थ्री इंटू एक्स एंड देन इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू 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 कैंसिल सो माइनस वाई स्क्वायर टू इंटू वाई एंड देन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। फिर हमको यहाँ पे इसको एक्स प्लस आई वाई के टर्म्स में लिखना है, तो हम लोग फिर इसको अरेंज करके इस तरह से लिखेंगे और अरेंज करने के बाद फिर हमारा जो टर्म होगा उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जेड के रिस्पेक्ट में हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स और भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग अगर यू और वी और दिया हुआ है तो एक और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये इजी मेथड है, काफ़ी है, इसमें हम लोगों को सिर्फ हार्मोनिसिटी चेक करना होगा और एक चेक करना होगा कि कॉची रामायण कंडीशन हमको याद रहना चाहिए।